देश में कोरोना से हुई हर मौत के लिए सरकार को मुआवजा देना ही होगा। मुआवजे की मांग पर केंद्र सरकार ने हाथ खड़े कर दिए थे, लेकिन बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को उसके दायित्व की याद दिलाई और कहा कि मुआवजा तो आपको देना ही होगा। कोर्ट ने कहा कि इस तरह की आपदा में लोगों को मुआवजा देना सरकार का वैधानिक कर्तव्य है, लेकिन मुआवजे की रकम कितनी होगी ये सरकार खुद तय करे। क्या कहा था केंद्र सरकार ने? दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें मांग की गई थी कि आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कोरोना पीड़ितों के परिवार को 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। इस पर जवाब देते हुए केंद्र सरकार ने कहा था कि हर कोरोना संक्रमित मरीज की मौत पर मुआवजा देना केंद्र और राज्यों के वित्तीय सामर्थ्य के बाहर है। केंद्र ने कहा था कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धारा 12 के तहत मुआवजा देने का प्रावधान अनिवार्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में क्या कहा? लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि धारा 12 में शैल शब्द का इस्तेमाल किया गया है और इसका मतलब अनिवार्य है। कोर्ट ने कहा कि आर्थिक दिक्कत का हवाला देकर इससे बचा नहीं जा सकता। अदालत ने माना कि इस समय केंद्र और राज्य सरकारों पर वित्तीय बोझ काफी ज्यादा है और उन्हें अपने सीमित संसाधनों से कई दूसरे जरूरी काम भी करने पड़ रहे हैं। इसलिए कोर्ट ने साफ किया कि मुआवजे की रकम वो तय नहीं करेगा। कोर्ट ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA से कहा कि वो 6 हफ्ते के अंदर मुआवजे की रकम तय करे। डेथ सर्टिफिकेट पर भी कही अहम बात। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एक और अहम बात कही। अदालत ने कहा कि कोरोना से मौत होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र में मौत की वजह साफ लिखी जानी चाहिए और डेथ सर्टिफिकेट पाने की प्रक्रिया आसान बनाई जानी चाहिए। जो सर्टिफिकेट पहले जारी किए जा चुके हैं, अगर परिवार के लोगों को उसे लेकर कोई शिकायत है तो उसका निराकरण भी जल्द किया जाए। ब्लैक फंगस को लेकर भी जारी किया नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस और येलो फंगस की वजह से मरने वालों के परिवारों को भी 4 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर देने की मांग को लेकर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। दरअसल याचिका में कहा गया था कि इन बीमारियों की मुख्य वजह भी कोरोना ही है, इसीलिए अगर इन बीमारियों से किसी की मौत होती है तो भी सरकार को इसमें मुआवजा देना चाहिए। अब इस पर केंद्र सरकार अपना जवाब दाखिल करेगी। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।